लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बचपन में तू बच गया मेरे हाथों मरने से, लेकिन अब नहीं बचेगा। अब तेरे खून से अपने हाथ रंगने आ गई है तिमिरा। तिमिरा, ये तिमिरा कौन है? अरे मिस गीता विश्वास, शक्तिमान की दोस्त, चलो उनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज मी गीता जी, मैं बीटीएन टीवी से हूँ, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? आखिर कौन है ये तिमिरा जिसने शक्तिमान के नाम आकाश में संदेश लिखा है? संदेश? सच पूछिए तो मुझे भी उतना ही ताज्जुब हो रहा है जितना कि आप लोगों को। इसका मतलब आप भी नहीं जानती कि तिमिरा कौन है? नहीं। क्या शक्तिमान ने आपसे कभी किसी तिमिरा का जिक्र नहीं किया? कभी नहीं। लेकिन हमने तो सुना है कि आप शक्तिमान के बारे में सब कुछ जानती हैं। आखिर शक्तिमान के बचपन के बारे में कुछ तो पता होगा आपको। क्या शैतानी ताकतें बचपन से ही शक्तिमान को मारने की कोशिश कर रही हैं? देखिए मैं नहीं बता सकती, मुझे शक्तिमान के बचपन के बारे में सचमुच कुछ नहीं पता है। लेकिन मिस गीता, आप तो इंडिया छोड़कर यूएनओ की नौकरी के लिए चली गई थी, आप इंडिया वापस क्यों आ गई? क्या आपने वापस कोई न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लिया? नहीं। तो इन दिनों आप क्या कर रही हैं? दरअसल मैं शक्तिमान की कॉमिक्स निकालने की तैयारी कर रही हूँ। शक्तिमान की कॉमिक्स? कॉमिक्स? शक्तिमान की कॉमिक्स? लेकिन मिस गीता, कॉमिक्स में तो आपको शक्तिमान की पूरी कहानी बतानी पड़ेगी, उनके बचपन के बारे में ही बताना पड़ेगा। लेकिन आपको तो शक्तिमान के बचपन के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर आप ये कॉमिक्स कैसे निकालेंगी? शक्तिमान की कॉमिक्स तब निकलेगी जब मुझे शक्तिमान से जुड़ी सारी बातों का पता चल जाएगा। Now excuse me। तो शक्तिमान की सबसे करीबी दोस्त और शक्तिमान के ऊपर कॉमिक्स निकालने वाली मिस गीता विश्वास, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले शक्तिमान के बारे में बताया, आज उन्हें भी नहीं पता है कि आसमान में लिखे हुए संदेश का रहस्य क्या है। मैं सुधा, बीटीएन न्यूज से। संदेश? आसमान में संदेश?
क्या अब तक होगा वो संदेश? बचपन में तू बच गया मेरे हाथों मरने से, लेकिन अब नहीं बचेगा। अब तेरे खून से अपने हाथ रंगने आ गई है तिमिरा। मेरा बचपन, गीता ने कहा कि उसे नहीं पता मेरे बचपन के बारे में, परंतु उसे क्या, मुझे भी नहीं पता मेरे बचपन के बारे में। आखिर तिमिरा ने मुझे बचपन में मारने की कोशिश क्यों की थी? उसके हाथों में मरने से बच कैसे गया? और फिर ये दोबारा मुझे मारने क्यों आई है? आखिर कौन है ये तिमिरा? अब तू मेरे पैगाम को जरूर पढ़ पाएगा शक्तिमान। अब तू मेरी निगाहों से नहीं बच पाएगा। दिखा, दिखा मेरी जादू आग, शहर का चप्पा चप्पा दिखा। शहर का चप्पा चप्पा दिखा। दिखा। शक्तिमान, मेरे पैगाम को पढ़कर भी तू अभी तक नजर नहीं आया। अभी तक नजर नहीं आया तू। ठीक है, तिमिरा तुझे ढूंढने खुद आएगी। खुद ढूंढने आएगी तिमिरा तुझे। शक्तिमान, शक्तिमान। अचानक इतना प्यार हमारे लिए? कल तक तो आप हमारी कक्षा में बैठने के लिए तैयार भी नहीं थे। एक्चुअली सर, हम मेहुल और अमित की बातों में आ गए थे, लेकिन अब हम उनसे नफरत करने लगे हैं। सर, हमने सुना उन दोनों ने आपको घायल करने की कोशिश की थी। हाँ भाई, वो उन्होंने ऐसी चेष्टा तो अवश्य की थी, परंतु आप लोगों के मन में उनके प्रति इतनी नफरत? नहीं नहीं नहीं, ये बात ठीक नहीं। आप लोगों को उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, वो आप लोगों के साथी हैं। लेकिन उन दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है सर। आपको चोट लग जाती, आप घायल हो जाते सर, तो हम उन्हें माफ नहीं करेंगे सर। देखिए 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 देखिए, अगर आप लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे तो हम भी आप लोगों से बात नहीं करेंगे। लेकिन सर, वो माफ करने के लायक नहीं है, और आपको उन्हें पुलिस से बचाना नहीं चाहिए था सर। वो दोनों सजा के काबिल हैं। देखिए 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 देखिए, माफ तो हम लोगों को उन्हें करना ही होगा, क्योंकि प्रतिशोध किसी समस्या का निदान नहीं हो सकता। विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, और शिक्षा क्षमा करना सिखा, और क्षमा इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है। यह क्षमा ही है जो आदमी को इंसान बनाती है, जानवरों से अलग करती है। जानवर प्रतिशोध लेना जानते हैं, बदला लेना जानते हैं, मगर आदमी बदला नहीं ले तो वो इंसान कहलाता है। आप लोगों को भी इंसान बनना होगा,
इसलिए आप लोगों को उन्हें माफ करना होगा। और फिर वो दोनों तो आपके साथ ही हैं और वो पश्चाताप भी कर रहे हैं। अगर आदमी पश्चाताप करे तो फिर उसे क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी उन्हें क्षमा करना होगा। क्या आप लोग हमारी बात मानकर भी क्षमा नहीं करोगे उन्हें? भाई कर दिया ना आप लोगों ने उन्हें क्षमा? ये हुई ना छात्रों वाली बात, ये हुई ना कोई बात। अब आप लोग देखिए, अपनी कक्षा में जाइए, हम आप लोगों को वही मिलते हैं। लेकिन सर हमें आपसे एक और बात जाननी थी। जानिए सर, जब वो दोनों घायल हो गए तब शक्तिमान वहाँ पर कैसे आ गया था? बताइए सर, शक्तिमान कैसा है सर? प्लीज बताइए ना सर, शक्तिमान के बारे में बताइए ना सर। आप लोग ये जानना चाहते हैं ना कि शक्तिमान भैया वहाँ कैसे आए थे? तो वैसे ही जैसे वो हमेशा आते हैं, गोल गोल घूम कर ऐसे आए, बस चलते। हमें पता है कि शक्तिमान गोल गोल घूम कर आते हैं, लेकिन सर हम ये पूछ रहे हैं कि शक्तिमान को कैसे पता चला कि अमित और मेहुल घायल हुए हैं? शक्तिमान तो हमेशा बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन आज वो छोटी दुर्घटना को रोकने के लिए कैसे आ गया? नहीं 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 भाई, भाई किसने कह दिया आप लोगों को कि शक्तिमान भैया केवल बड़ी दुर्घटनाओं के लिए आते हैं? अरे शक्तिमान भैया हर बार आते हैं, दुर्घटना चाहे छोटी हो या बड़ी हो, जहाँ पता चलता है कि किसी के प्राण संकट में है तो शक्तिमान भैया फौरन आ जाते हैं। लेकिन आप शक्तिमान को शक्तिमान भैया क्यों कहते सर? क्या आप उन्हें जानते हैं? जानते हैं? अरे अरे हम उन्हें शत प्रतिशत जानते हैं। अरे हम तो उन्हें अब से नहीं जानते, हम तो उन्हें बचपन में जब हम बचपन में छोटे भी हुआ करते थे आप लोगों की तरह, हम तब से जानते हैं उन्हें। आप शक्तिमान को बचपन से कैसे जानते हैं सर? अरे एक ही गांव होने की वजह से, हम दोनों एक ही गांव में रहते थे, हम गन्ने के खेतों में गन्ने खाया करते थे और गुल्ली डंडा खेला करते थे। एक बार हम उनकी गुल्ली लेकर भाग गए, तब से वो हमारे पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। ये तो किस्मत की बात है कि वो बन गए शक्तिमान और हम बन गए पत्रकार। मेरा मतलब है कि भूतपूर्व पत्रकार पंडित गंगाधर, अब तो हम बन गए हैं प्राध्यापक पंडित गंगाधर। क्या आप ही वो पत्रकार पंडित गंगाधर शास्त्री हैं जो गीता विश्वास के साथ मिलकर न्यूज लाते थे? अजी मिलकर कहाँ लाते थे, लाते तो हम ही थे, वो तो साथ में हम गीता जी का नाम डाल देते थे। अब रिश्ता तो शक्तिमान भैया का हमारे साथ है ना। अजी बहुत मानते हैं हमें वो, अभी भी दूध वाले की दुकान में रोज सवेरे सवेरे आ जाते हैं और हमारे साथ बैठकर गरम गरम दूध पीते हैं मलाई मारकर। लो लो घंटी भी बज गई, चलिए अब आप लोग अपनी अपनी कक्षा में जाइए, अपनी अपनी कक्षा में जाइए। नहीं 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 अब आप लोग जाइए जाइए, अगली बार बताएंगे हम आपको। चलिए अभी अभी बहुत बहुत वक्त हो गया, चलिए अपनी अपनी क्लास में जाइए, चलिए बहुत वक्त हो गया, जाइए चलिए जाइए 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 जाइए। तो ये पहुंचाएगा मुझे शक्तिमान तक। हरी हरी पत्तियां जीवन की हैं कड़ियां, हरी हरी पत्तियां जी। कैसी हैं आप? माली ठीक पानी दे रहा है आपको ना? हरी हरी पत्तियां जीवन की हैं कड़ियां। अरे 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 कौन है आप? नहीं तितली हैं आप? नहीं मेरा मतलब है कि मधुमक्खी आप? नहीं चिड़िया हैं आप? अरे कौन है? अरे कहाँ ले जा रही है हमें? अरे ये तो जूहू बीच का किनारा है, यहाँ पर तो रेत पर चला करते हैं, आप हमें ये हवा में उड़ा कर कहाँ ले जा रही है? देखिए देखिए हमें निःशुल्क हवाई यात्रा करने का कोई शौक नहीं, निःशुल्क हवाई यात्रा का कोई शौक नहीं, क्यों करा रही है हमें निःशुल्क हवाई यात्रा? देखिए
आजकल लोग हवाई यात्रा के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते, साथ में हवाई दुर्घटना भी हो जाती है। ये आजकल हवाई यात्रा के साथ हवाई दुर्घटना भी जुड़ गई है। हमें शौक नहीं दुर्घटना का। देखिए उतारिए हमें, हमें डर लग रहा है। देखिए, अरे देखिए ठंडी ठंडी हवा में हमें ठंड लग रही है। अरे देखिए उतारिए हमें। देखिए, अरे देखिए वो, देखिए वो बड़े बड़े पेड़ चींटी के समान दिख रहे हैं। हम भी नीचे गिर के चींटी बन जाएंगे। अरे देखिए हमें छोड़ दीजिए, छोड़िए, छोड़ दिया आपने। अरे क्या करती है, हम गिर रहे हैं। अरे हमारे हड्डी पसली नहीं मिलेगी, हमारा स्पेयर पार्ट नहीं मिलेगा। अरे कमाल करती है आपने, कहा छोड़ दो तो छोड़ दिया। मर गए। उठ। कैसे उठे, हम तो मर गए हैं। मरने के बाद कोई उठता है क्या? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, हम जीवित हैं। हमारी धड़कन फिर से शुरू हो गई। हमारा दाह संस्कार मत कीजिए, हम जीवित हैं। हमारा दाह संस्कार मत कीजिए, हम जाते हैं। नमस्कार। क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है? अरे अरे क्या कर रही है? अरे नहीं, ऐ ऐ हमारा कोड, ऐ ऐ अहमदाबाद के बच्चों ने बड़े प्यार से दिया था। ऐ हमारा कोड, ऐ ऐ हमारा कोड। अच्छा अच्छा, आपको हमारा कोट पसंद आ गया? बहुत अच्छे कोट है, बड़े प्यार से दिया अहमदाबाद के बच्चों ने। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो फिर आप रख लीजिए, हम चाहिए। अरे क्या कर रही है आप? अरे देवी जी, अरे आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई? हम कोई सर्कस में काम करने वाले कलाबाज नहीं है। हम तो सीधे साधे पत्रकार थे, फोटो खींचते थे फोटो। आजकल हमारी पोस्टिंग लगी हुई है, हिंदी के प्रोफेसर बने, बच्चों को हिंदी सिखाते। हिंदी सीखनी है आपको? देवी जी, आप चाहती क्या है हमसे? जो कुछ मैं पूछूं सिर्फ उसको बताता जा। तो ठीक है फिर पूछो। शक्तिमान कहाँ मिलेगा? तो यही तिमिरा है, आसमान में संदेश लिखने वाली। सोच क्या रहा है अब? नहीं वो बता, शक्तिमान कहाँ मिलेगा? अच्छा अच्छा आपको भी पता चल गया कि शक्तिमान भैया हमारे दोस्त है। परंतु चुड़ैल जी, मेरा मतलब है कि चुड़ैल देवी, मेरा मतलब है कि देवी जी, हड्डी वाली देवी जी, आप शक्तिमान भैया से मिलना क्यों चाहती हैं? तिमिरा को सवाल नहीं जवाब सुनने की आदत है। बता बता कहाँ है शक्तिमान? क्या कर रही हैं? अरे जमीन पर भी मैं जवाब दे सकता हूँ आपको, ऊपर क्यों लेकर आई मुझे आप? हाँ ठीक है, अभी पूछे क्या पूछना आप? बता। अरे, फिर ऊपर लेकर आई आप? अरे अरे इन पत्तियों में सांप वाप होंगे, काटेंगे हमें, क्या बता शक्तिमान यहाँ है? हाँ, ठीक है अभी पूछे क्या पूछना? बता। अरे फिर ऊपर लेकर आई? अरे आप क्या कर रही हैं? अरे अरे फिर नीचे लेकर आई? अरे फिर ऊपर लेकर आ गए आप? अरे फिर नीचे लेकर आ गई आप? अरे हड्डी वाली देवी, ये कैसा तूने किया घोटाला? ये ऊपर ना मिली छत हमें, ना नीचे मिली है फर्श हमें। बना दिया है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अरे हड्डी वाली बता। तो ठीक है सुनो, हम शक्तिमान भैया को नहीं जानते। अरे हम तो लोगों को बेवकूफ बनाया करते थे कि हम शक्तिमान भैया को जानते हैं। अरे हम तो बचपन से लोगों को बेवकूफ बनाने की आदत थी। अरे हम तो अपने माता जी को भी बेवकूफ बनाते थे, पत्थर से अपना सर मोड़ लेते थे और कहते थे कि हमारे मित्र ने फोड़ा है। अरे अरे हम तो बचपन में अपने मित्र को भी बेवकूफ बनाते थे। आज तो तुम भी बेवकूफ बन रही हो। अरे तुम भी बेवकूफ बन रही हो आंटी वाली देवी। अरे अरे क्या कर रही है? अरे ये क्या गोल गोल घुमा रही है हमें? अरे ये क्या गोल गोल घुमा रही है हमें? अरे हमें सारी दुनिया गोल नजर आ रही है। अरे हमें भूगोल में सिखाया गया था कि दुनिया गोल है, हम जानते हैं। अरे आंटी वाली देवी जी, अरे रुक जाइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अरे उत्तर कहाँ है और दक्षिण कहाँ है? अरे पश्चिम कहाँ है और पूरब कहाँ है? कहाँ है? अरे कहाँ है आप? कहाँ है? अरे कहाँ है आप? अरे हमें कहाँ है आप? कहाँ? अरे हाँ, आप यहाँ है चुड़ैल देवी। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे अरे ये झूला क्यों झूला रही हैं? अरे वाह, कितना अच्छा झूला झूला रही आप। हमारी माता श्री भी ऐसे ही झुलाया करती थी। वो गाया करती थी, चंदन का पलना रेशम की डोरी। अरे आप माता श्री कैसे बन गई? अरे चुड़ैल, हड्डी वाली चुड़ैल, आप माता श्री क्यों बन रही है? अब उतारिए हमें, उतारिए। अरे बाबे, और झूला ले झूला, अब आपको सब बता देंगे जो आप पूछ रहे।
हमें नीचे उतारिए, हमें डर लग रहा है, हमें उतारिए, हमें उतारिए नीचे, हमें उतारिए, हमें उतारिए, हमें उतारिए। लगता है तुम्हें मेरी तलाश है, मैं यहां पर हूं। ओह, तो तू है शक्तिमान। बचपन में तो तू मेरे हाथों से बच गया था, मगर अब नहीं बचेगा शक्तिमान। ताकत नहीं है मेरी शक्तिमान, देख मेरी ताकत। वाकई तमराज किलविश यूं ही नहीं खौफ खाता है तुमसे। सचमुच अंधेरे को टक्कर देने की ताकत है तुम में शक्तिमान। एक सौदा करोगे मुझसे? कैसा सौदा? साझेदारी का। मतलब? मतलब तमराज किलविश अब तुम्हारा भी दुश्मन है और मैं भी उसे दुश्मन मान चुकी हूँ, मगर हम दोनों में से अकेले कोई भी उसे खत्म नहीं कर सकता। और अगर हम दोनों की शक्ति मिल जाए तो हम उसे आसानी से खत्म कर सकते हैं। फिर अंधेरे की रानी बनूंगी मैं और तुम्हें अंधेरे का राजा बना दूंगी। मगर शक्तिमान का मकसद तमराज किलविश को मारना नहीं है, अंधेरे का प्रतिकार करना है। हर उस व्यक्ति का प्रतिकार करना है जो पक्षधर है अंधेरे का। इसलिए मेरी निगाहों में तमराज किलविश हो या तुम, या कोई भी व्यक्ति जो अंधेरे का पक्षधर हो, सब एक समान है। शक्तिमान का प्रण है, वो किसी का वध नहीं करेगा। इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मगर तुम्हारी सारी ताकत छीन लूंगा, ताकि तुम उस ताकत के बल पर संसार में पाप न फैला सको। I'm here.